हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज एंड आई एम योर एजुकेटर सुप्रिया तो गाइज आज को जो मैंने वीडियो बनाया है जिस टॉपिक पे वो है सेक्सुअल सिलेक्शन जो कि इवोल्यूशन का टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन आते हैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक है मतलब इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है बस आपको ईजिली जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हें सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है तो जैसे कि मैंने पहले डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताया था जिसमें डार्विन ने कहा था जिसमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन में क्या था कि नेचर हमेशा उन्हीं स्पीसीज को सेलेक्ट करती हैं जो कि फिट होती हैं ठीक है फिर उनके पास ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि वो उस एन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके किसी दूसरी स्पीसीज से कॉम्पीट करके लेकिन यहाँ पे जो सेक्सुअल सिलेक्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है तो इसके बारे में डार्विन ने क्या कहा है या पूरा सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है इसको हम देख लेते हैं इसपे एक क्वेश्चन जो आता है हैंडीकैप थ्योरी या जारविस थ्योरी इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं सो लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले अगर सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करें तो सेक्सुअल सिलेक्शन इन विच मेंबर्स ऑफ एन बायोलॉजिकल सेक्स चूज मेट्स ऑफ द अदर सेक्स टू मेट विथ एंड कंपीट विद में सेम सेक्स फॉर एक्सेस टू में अपोजिट सेक्स तो नॉर्मली करें तो सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है कि कोई भी दो स्पीसीज या दो मेट्स मतलब स्पीसीज आपस में मेटिंग करते हैं और वो एक फर्टाइल ऑस्टिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं ये होता है सेक्सुअल सिलेक्शन तो सेक्सुअल सिलेक्शन में यहाँ पे इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन मीन्स होता है कि अलग अलग मेट के लिए मेट को चूज़ कर रहे हैं। वही इंटर सिलेक्शन की बात करें तो सपोज दैट कि दो मेल्स जो है वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं एक फीमेल के साथ मेटिंग करने के लिए तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए अब आगे बात करें तो दीज टू फॉर्म्स ऑफ सिलेक्शन मीन्स दैट सम रिप्रोडक्टिव सक्सेस देन अदर्स विद इन अ पॉपुलेशन

तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है जिसमें मैंने पिकॉक्स ट्रेल यानी कि जो पिकॉक की टेल होती है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में आपको ट्रेल लिख के ही आता है अब पिकॉक कुड फर्टिलाइज अ फीमेल इवन विदाउट हिज ट्रेल एंड एंड इन दैट सेंस इट इज नॉट एसेंशियल सेक्सुअल सिलेक्शन यहाँ पे बोला गया है कि एक पिकॉक एक मेल पिकॉक विदाउट ट्रेल भी किसी भी फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है मतलब जरूरी नहीं कि उसके पास टेल प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो वो लेकिन फीमेल को फिर भी फर्टीलाइज कर सकता है तो डार्विन का कहना था कि फिर जो ट्रेल है वो पिकॉक में क्यों प्रेजेंट है क्योंकि पिकॉक की ट्रेल आप खुद ही जानते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल होती है तो वो कैरेक्टर स्टेक्स या वो फीचर्स पिकॉक में क्यों प्रेजेंट है डार्विन का यही कहना था क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर में जिनका कोई भी एडवांटेज नहीं है उसे नेचर जो है वो रिमूव कर देता है या फिर वो किसी भी एनिमल की फिटनेस को डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे यही बोला गया कि जब पिकॉक की ट्रेल के बिना भी एक पिकॉक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है तो वो ट्रेल क्यों प्रेजेंट है एन्वायरमेंट में नेचर ने उसे क्यों सेलेक्ट करके रखा गया रखा हुआ है ऑन द अदर हैंड पिकॉक्स ट्रेल रिड्यूस द द सर्वाइवल फिटनेस ट्रेल पावर रिड्यो इम्पोजेस एंड एनर्जेटिक कॉस्ट तो यहाँ पे पोला डार्विन ने बताया कि जिस भी पिकॉक के पास ट्रेल प्रेजेंट है वो उसकी सर्वाइवल फिटनेस को रिड्यूस कर रहा है क्यों क्योंकि अगर किसी के पास बहुत ही हैवी ट्रेल है किसी भी पिकॉक के पास तो हैवी टेल की वजह से वो क्या उसकी रिड्यूस पावर ऑफ फ्लाइट उसकी जो भी उड़ने की क्षमता है उसको रिड्यूस कर रहा है उसकी ग्रोथ को रोक रहा है और जितनी भी हैवी टेल होगी तो उसको चलने में उतनी ही एनर्जी को स्पेंड करना पड़ रहा है तो डार्विन का ये कहना था सो वाई दीज कॉस्टली कैरेक्टर यानी कि जो भी डिसएडवांटेज कैरेक्टर है एक्सप्लेन किया, तो किया था विद द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन की ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यू नेचर में प्रेजेंट है या नेचर ने उन्हें क्यू जो है वो एलिमिनेट uh, नहीं किया तो अब हम देख लेते कि डार्विन की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था ही सजेस्टेड दैट ट्रेल एग्जिस्ट इन पिकॉक बिकॉज फीमेल प्रिफेंशली मेट विथ मेल्स दैट हैव लॉन्गर ब्राइटर और मोर ब्यूटिफुल टेल इफ दे डू सो द मेटिंग एडवांटेज ऑफ मेल विथ लॉन्गर टेल विल कंपनसेट अ करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड मेल सर्वाइवल तो इस पैरा में यही बोला गया है कि डार्विन ने यह बताया कि एक पिकॉक तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से आपको एक बार बताते हैं कि पिकॉक की टेल यहाँ पे बोला गया कि अगर पिकॉक की टेल ना भी प्रेजेंट हो तो भी एक मेल पिकॉक एक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है तो फिर एक पिकॉक की टेल होना क्यों प्रेजेंट है मतलब नेचर ने उसे क्यों एलिमिनेट नहीं किया जबकि अगर किसी भी पिकॉक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेल प्रेजेंट है तो वो उसकी पावर ऑफ फ्लाइट को रिड्यूस कर रहा है उसकी सर्वाइवल को रिड्यूस कर रहा है तो इसी को डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन में एक्सप्लेन किया था डार्विन ने कहा था टेल एग्जिस्ट कर रही है किसी भी पिकॉक में क्योंकि फीमेल फीमेल हमेशा उस मेल को ही प्रेफर करेगी मेटिंग के लिए जिसके पास एक लॉन्गर एक ब्राइटर और मोर ब्यूटीफुल टेल्स प्रेजेंट होगी अगर आप टेल्स में देखें तो ये आईज इनको आईज बोलते हैं ये आईज जिसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी उन्हीं को फीमेल जो है प्रेफर करेगी मेटिंग के लिए सो so, अगर किसी भी तो ये क्या हुआ भले ही ये एक डिसएडवांटेज करेक्टर है किसी भी मेल के लिए कि उसके पास हैवी टेल प्रेजेंट है तो वो इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता है लेकिन जितना टाइम वो सर्वाइव करेगा वो एक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है और अपने ऑस्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है तो इसीलिए यही थ्योरी को बोला गया है सेक्सफल सिलेक्शन तो इसीलिए डार्विन ने बताया कि इसीलिए जो कि टेल है वो नेचर ने सेलेक्ट करके रखा है ऐसे कैरेक्टर को इन्वास से एलिमिनेट नहीं किया सो अ कॉस्टली और डेलीट्रियस कैरेक्टर दैट रिड्यूस सर्वाइवल फिटनेस ऑफ द मेल इज पॉजिटिवली यूजफुल टू द फीमेल भले ही ये मेल के लिए कि सर्वाइवल फिटनेस को रिड्यूस कर रहा है लेकिन ये फीमेल के लिए पॉजिटिवली यूजफुल हो रहा है करेक्टर क्योंकि फीमेल उस मेल को प्रेफर करेगी जिसके पास ज्यादा अच्छी ट्रेल हो एंड दिस इज कॉल्ड हैंडी कैप थ्योरी और जारविस थ्योरी हैंडी कैप थ्योरी इसको कहते हैं हैंडी कैप थ्योरी का मीन्स हैंडी कैप यहां पर इसलिए बोला गया इसका जो नेम हैंडी इसलिए रखा गया कि भले ऐसे कैरेक्टर स्टिक्स की बात हो रही है जो कि किसी भी पर्सन की मतलब अगर पिकॉक को लेकर चले या फिर किसी भी पर्सन को लेकर चले उसकी सर्वाइवल फिटनेस को रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो उसके लिए हेल्पफुल भी हैं क्योंकि वो भले ही नेचर में कम टाइम के लिए सर्वाइव करे लेकिन उसको क्या जितने टाइम वो सर्वाइव करेगा वो एक फीमेल के साथ मेटिंग कर सकता है

लीडिंग टू पिकॉक्स विध मोर आइज बिकमिंग कॉमन इन सबसे जनरेशन तो यही बात जो मैंने बताई कि किस या फिर फी जो फीमेल पिकॉक होती है वो ऐसे पिकॉक को प्रेफर करती है जिनके ट्रेन में बहुत ज्यादा आइज प्रेजेंट होती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे उनको प्रेजेंट जो है प्रेफर करती है फॉर मेटिंग के लिए तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है मैंने दो पिकॉक को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है एक है पिकॉक वन एक है पिकॉक टू अब हम बात करें पिकॉक वन जिसके पास एक ब्यूटीफुल टेल है और दूसरा पिकॉक जिसके पास ब्यूटीफुल टेल नहीं है तो इस पिकॉक के पास ब्यूटीफुल टेल है और इस, लेकिन इसके लाइफ स्पैन क्या है वो रिड्यूज होता है रिड्यूज है इसके पास ब्यूटीफुल टेल नहीं है लेकिन ये लॉन्ग लाइफ स्पैन बहुत समय तक जीवित रहेगा लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि वो फर्टिलाइज तो कर ही नहीं सकता कि किसी फीमेल को इसके पास भले लाइफ स्पैन कम है बट फीमेल सेलेक्टेड फॉर मेटिंग लेकिन फीमेल इसे मेटिंग के लिए सेलेक्ट कर रही है फिटनेस अर्ली डेथ मोर नंबर ऑफ ऑस्टिंग्स बेस्ट सर्वाइवल फिटनेस तो यही जो पूरा एक समरी अगर मैं बताऊँ तो सेक्सअल सेलेक्शन में यही है कि नेचर ऐसे करेक्टर्स टेक जो कि किसी भी एक पिकॉक को लेकर चलते हैं कि पिकॉक की भले सर्वाइवल फिटनेस को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि उसके पास ब्यूटीफुल टेल प्रेजेंट है ऐसे पिकॉक जिनके पास ब्यूटीफुल टेल प्रेजेंट है वो उनका क्या होगा पावर ऑफ लाइट रिड्यूस होगा वो कम टाइम तक लाइफ स्पैन उनका शॉर्ट होगा लेकिन वो फीमेल को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं फीमेल उन्हें सेलेक्ट करेगी मेटिंग के लिए लेकिन ऐसे पिकॉक जिनके पास बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल टेल है उनकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होगी बट वो फीमेल उन्हें सेलेक्ट नहीं करेगी मेटिंग के लिए तो उनका क्या होगा कि उनका ऑस्ट्रिंग्स भी नहीं होंगे तो उनकी जो जीन्स है वो ने, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो सकती तो यही सिंपल सी जारवेज थ्योरी या हैंडीकैप थ्योरी को यहाँ पे बोला गया है जिसको मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं ये थ्योटिकल है लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा